हेलो, अब हम सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं। सो हमारा देखो आगे क्या हो रहा है। सो हम पहले जो काम कर चुके हैं हम आपको बता चुके हैं हमारी सैटरडे की रूटीन। अब नेक्स्ट आप देखें, ये देखो ये बिजी हो रखे हैं और ये देखो मम्मा की हेल्प कर रहे हैं। सो ये इनकरेजिंग होगा बाकी बॉयज़ के लिए भी कि मम्मा की हेल्प करें घर के कामों में। मम्मा की जानू काम कर रहे हैं। यस, खाना हमारा रेडी हो चुका है। ये दाल चावल लेग और टमाटर और प्याज का सैलेड और ये रही हमारी दाल मूंग मसूर की दाल और ये रहे हमारे बॉइल्ड राइस। सिंपल फूड। ये थाली लगी है, ये इसलिए थाली लगती है क्योंकि फिर ये गिरने का डर नहीं रहता इसमें खाना साइड में। ओके लो बेटा, टेक योर फूड। क्या अंडा फोड़ना है इसके अंदर, तोड़ दो। यस, हम खा रहे हैं खाना। हमारा लंच टाइम क्या हो गया, 1:40 हो गए हैं। 1:40 से हम लंच कर रहे हैं। ये मेरा पर्टिकुलर टाइम रहता है, मुझे इतने समय में लंच करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, देन डिनर का टाइम है मेरा। सो मैं गड़बड़ नहीं कर सकती, अदरवाइज मेरे को प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो ये देखें, मैंने लिया है, दिख नहीं रहा है, ये देखें मेरी एग है, सैलेड है, दाल चावल है। सब इन सबको मैं मिक्स करके हाथ से खाने वाली हूँ। यस, लेट मी एंजॉय फूड। थैंक्स टू लॉर्ड हु प्रोवाइड्स यू नो गुड वाला अच्छा वाला मील। मैं उसको 7/10 देता हूँ, लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा रखे हैं उसके लिए मैं 9 दूंगा। ओके, मेरे को हर खाने में मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड मिलते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम खाना खाएं, परमेश्वर ने हमें खाना दिया है। सो ओके, तो बेटे का वेट कर रही हूँ, वो थोड़ा बाहर गया है। नाउ यू कैन सी मेरे वॉशरूम के टॉवल्स चेंज हो रहे हैं, ये गया धोने में एंड देन नेक्स्ट वन। सो मैंने जुगाड़ू, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, मैंने जुगाड़ू छोटी सी कील लगा के, यहाँ पे छोटा सा कील है, ये दिख रहा है आपको, इस पे ऐसे टांगती हूँ मैं। सो नाउ सेम इन अनदर वॉशरूम, ये उतर गया टॉवल, कहीं पे टॉवल टांगने का कुछ नहीं है। सो रेंटेड है यहाँ पे। सो नाउ इन अदर वॉशरूम ऑल्सो इन द सेम वे, मैंने जुगाड़ू कील टांगे हैं छोटे छोटे से, ये टॉवल गया यहाँ पे। अब ये है मेरी किचन का टॉवल जो मैं इसके हैंडल पे टांगती हूँ। सो ये उतर गया है और ये दूसरा वाला यहाँ पे टंग गया है। सो आपने देखा सारे टॉवल्स चेंज हो चुके हैं। अब ये बेड शीट्स कुशन सब चेंज होंगे, बस ये सारी शीट्स चेंज होंगी, कुशंस चेंज होंगे और ये भी चेंज होगा। सो यू कैन सी आई हैव चेंज द बेड शीट्स ऑल्सो नाउ, सो दिस वर्क इज़ ऑल्सो डन। सो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट यू कैन सी दिस 5 कुशंस नो। सो ये कुशंस तो रेडीमेड हैं लेकिन इनके जो कवर हैं वो मैंने खुद से बनाए हैं। मेरे पास एक स्कर्ट थी जो अम्ब्रेला कट, बड़ी सी स्कर्ट होती है, सो मैं उसको यूज़ नहीं कर रही थी। सो मेरे माइंड में आया क्यों ना इनको कुशन बनाया जाए, कुशन के कवर बनाया जाए। सो आप बताना कि ये कैसे लग रहे हैं और ये इसके साथ सोफ़ा के साथ जो है मैच भी हो रहे हैं। सो ये मैंने खुद से इनके कवर जो हैं वो सिले हैं। सो यू कैन सी हाउ इज़ इट लुकिंग। सो इसके ऊपर छोटे छोटे स्टार्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैंने इनके कुशन बनाए। इस तरफ की मुझे शीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कल ही मैंने चेंज की थी। ये भी मैंने चेंज कर दिया है, हॉल का है ये। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले जो मेरे 10 कुशन थे, लेकिन अभी ये जो पिलो देख रहे हैं आप, ये भी मैंने खुद से ही बनाया। सॉफ्ट टॉय ख़राब हो गए थे तो उनका
जो फाइबर था निकाल के इसमें डाला। और ये जो शीट आप देख रहे हैं ये डबल बेड की शीट थी और ये एक साइड से थोड़ी फट गई थी तो मैंने उसको काट करके छोटा कर दिया और ऐसे ये सिंगल बेड पे आ गई है। सो ये भी मेरे जो थे इनके जो कुशन के कवर आप देख रहे हैं, ये कुशन भी मैंने खुद ही बनाए हैं घर पे। ये भी सॉफ्ट टॉय जो ख़राब हो जाते हैं सो उनसे बनाए हैं मैंने। और ये मैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ जिसमें मैंने बताया है। और ये मेरे पास दो कुर्ते थे, एक तो ब्लैक कलर का था और एक ये वाला डबल वाला ये जो ये कलर था। और ये इसके पीछे एक ये जो ब्लैक कलर देख रहे हैं ये एक ब्लैक कुर्ता था मेरे पास। तो वो कुर्ते जो थे मेरे लिए मैंने ढील लूज़ हो गए थे क्योंकि मैंने वेट जो है कम कर लिया अपना, मेरा काफ़ी वेट कम हो गया तो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो देन मैंने क्या किया, मैंने उनके कवर बना दिए कुशन के। सो ये भी आप बताना मुझे कि ये कैसे लग रहे हैं जो मैंने कुशन कवर खुद से बनाए हैं। सो ये कुशन भी मैंने बनाए हैं और ये कुशन के कवर भी मैंने बनाए हैं। सो ये मैंने जुगाड़ू कपड़ा कम पड़ गया था तो एक मेरे पास और कुर्ती थी मेरी ब्लैक कलर की, सो वो मैंने उसको काट के मैंने कुशन का कवर बनाया है। सो ये मेरे बेटे का बेड भी जो है इसकी भी जो है शीट चेंज हो चुकी है, ये भी मैंने शीट चेंज कर दी है। तो अब मैं क्या करने वाली, मेरे बाल जो हैं काफ़ी टाइट हुए पड़े हैं सो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे थोड़े से बर्तन हैं जो भी हमने लंच किया है सो वो साफ़ करके तो एंड में मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ूँगी। सो आप देख रहे हैं सुबह से लेके अभी टाइम जो हो गया है वो 3 बज गए हैं। सो मेरा टारगेट है कि मुझे 1 घंटे के अंदर बर्तन साफ़ करने हैं और फिर मुझे वॉशरूम साफ करके फिर मुझे छुट्टी करनी है, फिर मेरा बेटा मेरे लिए चाय बनाएगा। अब मैं चल रही हूँ बर्तनों की तरफ, बर्तन साफ कर रही हूँ। सो आपने देखा कि कैसे काम करते हैं घर का सारा सारा दिन। सैटरडे तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा चादर बदलती हैं। मेरी मम्मा बर्तन साफ कर रही हैं। ये देखो बर्तन साफ हो रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं है थोड़े से हैं। सो अभी 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं लगेंगे, कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे। देन वॉशरूम की तरफ बढ़ूंगी, फिर एंड में वॉशरूम की तरफ बढ़ूंगी, उसके बाद फिर मुझे नहाना है। यू कैन सी मेरे को 15 मिनट्स लगे बर्तन साफ करने में। सो ये हो चुका है, मैं बढ़ रही हूँ बाथरूम की तरफ। यस, मेरे बाथरूम्स धुल चुके हैं, मैं अब मॉपिंग कर रही हूँ, गीला है थोड़ा सा, ड्राई करती हूँ इसको। सब सारे बाथरूम धुल चुके हैं। सो अब फाइनली ये लास्ट है जहाँ पर मुझे नहाने घुसना है, तो मैं नहाएंगी अब मम्मा। यस, सो फाइनली आई हैव डिड ऑल द वर्क, नाउ माय सन इज मेकिंग चाय फॉर मी। सो लेट वी सी दैट व्हाट इज ही डूइंग इन द किचन। बस मेरी चाय बन के रेडी है। सो बेटा थोड़ा लेट हो गया था, अब चाय पी रहा है, साथ खाना खा रहा है। सो मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी लग रही है मुझे क्योंकि मैं बहुत तेज़ गर्म चाय पीती हूँ, उसको थोड़ा गर्म करूँगी। ये देखो मम्मा के लिए चाय बनाई है, मम्मा के लड्डू पेड़े ने, और अब खाना खा रहे हैं, इतना लेट खाना खा रहे हैं। अब हम पी रहे हैं चाय, साथ में बिस्किट। चाय एंड बिस्किट, हाँ यस। हम एंजॉय कर रहे हैं चाय बिस्किट। सैटरडे सबसे अच्छा दिन है। यस, आज खास बात ये है मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, वैसे भी नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती करवानी पड़ती है और मेरी क्लासेस नहीं होती हैं। बाकी रूटीन मेरा सेम रहता है सारे काम का, बस वॉशरूम्स मेरे सैटरडे को धुलते हैं, प्लस जो मेरी बाहर की जो मेरा कच्चा एरिया है उसको जो है मैं वो सैटरडे को क्लीन करती हूँ,
अदरवाइज सारा सेम चलता है सारा। बस ये है कि सैटरडे को क्लासेस नहीं होती है और बाकी दिन क्लासेस रहती है। सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती है। यस, चाय पी लो फ्रेंड्स, चाय मज़ा आ रहा है। जब थक जाते हैं ऐसे कोई चाय बना के दे। सो एज यू ऑल हैव सीन द रूटीन ऑफ यू नो सैटरडे रूटीन, सो इट हैपन्स एवरी सैटरडे। ज़्यादातर बाकी सभी वीकडेज में भी ऐसा ही होता है। सो बट गिव थैंक्स टू लॉर्ड ओनली दैट ही गिव्स मी स्ट्रेंथ टू डू ऑल द यू नो थिंग्स एंड टू ऑर्गेनाइज द हाउस एंड टू टेकिंग केयर ऑफ द किड्स। सो मैं बच्चों को भी थोड़ा ऐसे ब्रॉट अप कर रही हूँ कि वो भी मम्मा को थोड़ा हेल्प दें और ये चलता है। सो अभी मैं ज़्यादा और रिकॉर्ड नहीं करूँगी अभी इसके बाद, क्योंकि अभी जो है मेरा 7:30 बाइबल जो हमारी एक प्रेयर मीटिंग है जूम पे वो शुरू हो जाएगी। देन आफ्टर दैट देन 8:30 एक बाइबल स्टडी है जो मैं बच्चों के साथ मैं लेती हूँ। सो वो भी जूम पे होगी, वो 40 मिनट की होती है। देन आफ्टर दैट देन अगेन वी हैव दैट प्रेयर मीटिंग ऑन जूम विद माय यू नो चर्च कॉन्ग्रीगेशन। सो इट विल गो लाइक दैट। सैटरडे ये सेम रहता है सारा ऐसा ही शेड्यूल, क्योंकि और बट आई गिव थैंक्स टू माई लॉर्ड ओनली दैट ही गिव्स मी स्ट्रेंथ टू डू ऑल द थिंग्स एवरी थिंग ही यू नो मेक्स ऑल द थिंग्स इन अ पॉसिबल वे इन माई लाइफ। सो अपने आप को इनक्रेज करो, परमेश्वर सारा कुछ देता है। सो बी हैप्पी, खुश रहती हूँ मैं बच्चों की देखभाल के लिए, कामों के लिए, जो मेरा प्रोफेशनल काम है वो भी बराबर चलता है। सो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, सो मैं डिनर के लिए जो है मैं तैयारी करूँगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा, ज़बरदस्ती नहीं, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मैं ऐसे ही अपने आइडियाज़ जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन एकदम से नहीं, थोड़ा बाल सूखने के बाद। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।